हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर नीड्स में। डिक्लेरेशन दोस्तों, मैं आज आपको एक्सपोर्ट मतलब निर्यात के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए डीजीएफटी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजित एक्सपोर्ट के वर्कशॉप में लेके जाने वाला हूँ, जहाँ पर आपको भारत सरकार के निर्यात नीति के तहत आयोजित योजनाएं, उनकी स्कीम के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। इसके साथों साथ आपको पूरे एक्सपोर्ट सिस्टम में शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया जानने को मिलेगी, जो पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी है, जहां पर आपको कम से कम रिस्क में निर्यात करने की सहूलियत मिलती है। तो शुरू करते हैं। कंट्री, हमारा देश, हमारा डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं? हमारे पास तो अच्छी लैंड्स और अच्छी एग्रीकल्चर और अच्छी इंडस्ट्रीज है। तो इसी के लिए DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये आपको एक्सपोर्ट्स में क्या बेनिफिट देता है, ये आपको एक्सपोर्ट्स में क्या इंसेंटिव देता है, इसी के लिए ये वर्कशॉप, ये सेमिनार यहाँ कंडक्ट किया गया है। स्टार्टिंग में आपने देखा IEC, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ये बहुत जरूरी होता है आपको कोई भी चीज यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। इसके बिना ना इंपोर्ट कर सकते हो और ना ही कोई चीज एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेकंड, जो पहले 15-23 की पॉलिसी थी और भी नई पॉलिसी 2023 की, इसमें क्या चेंजेस आए आपको दिख रहा होगा Chapter 3, यहाँ पर जो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी इसको हटाकर किया गया है डेवलप डिस्ट्रिक्ट एज ए एक्सपोर्ट हब। फिर Chapter 9 में प्रमोशन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी मतलब ई कॉमर्स को प्रमोट किया गया कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट ई कॉमर्स द्वारा हुआ जाए, जैसे अमेजॉन ग्लोबल, वॉलमार्ट, ONGC, इस तरह के पोर्टल्स। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट आउटरीच प्रोग्राम जो DGFT ने कंडक्ट किया 49 डिस्ट्रिक्ट्स में, DGFT क्या करता है, सबसे पहले IEC इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड या इंपोर्टर एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड करता है। IEC के बिना ना आप कोई चीज इंपोर्ट कर सकते हो और ना ही कोई चीज आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। IEC वाले की फीस है मात्र ₹500 और उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ और कैंसिल चेक। ये ऑटो अप्रूवल हो गया है, मतलब आप अगर अभी बैठे हो यहाँ पर, लैपटॉप ओपन किया, अगर आपने IEC का फॉर्म फिलअप किया और सबमिट पे क्लिक किए तो तुरंत आपके फोन में मैसेज आ जाएगा कि आपका IEC नंबर यानी आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस नंबर सो एंड सो है, कर सारा ऑटो अप्रूवल हो चुका है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्कीम के बेनिफिट जैसे एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG, ड्यूटी ड्रॉबैक और रोड डेप्ट, ये स्कीम्स के नाम है। ई कॉमर्स जिसने एक्सपोर्ट की दुनिया में क्रांति लाई है कि आप घर बैठे बैठे भी विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे अमेजॉन ग्लोबल, वॉलमार्ट, ONDC। अब एग्जैक्टली ई कॉमर्स काम कैसा करता है, धीरज कुमार सर जैसे ONDC से यहाँ है, वो आपको टोटल बता देंगे कि ई कॉमर्स में कैसा रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसा ये वर्क करता है। आगे वेज टू फाइंड बायर्स, मतलब एक एक्सपोर्टर को सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है खरीदार, बायर कहाँ से मिलेगा। तो ये बायर एक तो इंडियन एम्बेसी मतलब विदेशों में जहाँ पे इंडियन एम्बेसी है आप वहां पे मेल कर सकते हो उनको कि वहाँ की जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है या फिर इंडस्ट्रियल अपना इक्विपमेंट जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो कौन सी है उनकी लिस्ट चाहिए करके, तो आपको ये इंडियन एम्बेसी वो जेन्युइन बायर्स की लिस्ट प्रोवाइड करती है। ई कॉमर्स वेबसाइट, बायर सेलर मीट, मतलब इंडिया में या विदेशों में बायर सेलर मीट होती है जहाँ पर जेन्युइन बायर्स मिलते हैं। हम लोग अपने प्रोडक्ट का स्टॉल लगाते हैं और विदेशों से बायर वहाँ पे आके मिलते हैं, वहां पे डील फिक्स होती है, ये होता है बायर सेलर मीट। और लास्ट है सोशल मीडिया, आप अपने प्रोडक्ट का जितना ज्यादा मार्केटिंग करोगे सोशल मीडिया पे उतना है आपको जेन्युइन बायर्स मिलने की संभावना है। लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मतलब हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसके लिए अपेडा, केमिकल है केमेक्सिन, अलग अलग प्रोडक्ट, अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट है तो उसके लिए है फ्यू, हर प्रोडक्ट का अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जब आप खुद को इन काउंसिल पर रजिस्टर्ड करते हो
तो ये काउंसिल्स आपको देती है RCMC जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड टर्म मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये फियो जो एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से ये बायर सेलर मीट कराता है, अपेडा, ITPO, अब ITC ट्रेड मैप और इंडियन ट्रेड पोर्टल, यहाँ पर आपको जेन्युइन बायर मिलने की पूरी आशंका है। देखिए अगर आप ITC ट्रेड मैप पे लॉगिन करोगे, ईमेल आईडी पुटअप करोगे, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर कंट्रीज के कंपनीज की लिस्ट मिलती है। अगर आप कभी ये ट्राई करोगे तो आपको जरूर यहाँ पे कोई ना कोई कंपनी की लिस्ट जरूर मिलेगी। MSME की कुछ स्कीम जैसा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, CGTMS, PMEGP और जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट को डेट सर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब प्रोसीजर ऑफ कस्टम, नाम सुनते बरोबर ऐसा लगता है कि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारा पेपर वर्क, बट बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपने इनवॉइसेस में डाली हुई जो क्वांटिटी वो बिल्कुल मैच कर रही है, तो आपको कस्टम क्लियरेंस करने से कोई नहीं रोक सकता। सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है। जब भी हम कोई चीज विदेश से इम्पोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाली जो टैक्स जो ड्यूटी होती है उसको कस्टम ड्यूटी है, अलग अलग प्रकार की होती है। जितना बड़ा प्रोडक्ट उतनी बड़ी ड्यूटी, छोटा प्रोडक्ट छोटी ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी के प्रकार। बिल ऑफ एंट्री, जब हम कोई विदेश से कोई चीज इम्पोर्ट करते हैं तो उसके लिए कस्टम विभाग के पोर्टल पर हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। शिपिंग बिल, जब हम यहाँ से कोई चीज विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं तो हम कस्टम विभाग के पोर्टल पर शिपिंग बिल अपलोड करते हैं। इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म, देखिए ये थोड़ी टेक्निकल है बहुत आसान है। क्या होता है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म दो मैक्सिमम यूज करते हैं इंडिया में, FOB और CIF। क्या होते हैं ये FOB और CIF, फ्री ऑन बोर्ड। ये एक कन्वर्सेशन का पार्ट है, एक डील का पार्ट है आपका और आपके बायर के साथ। अगर आपका कन्वर्सेशन, आपकी डील आपके बायर के साथ FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड पे होती है, तो मान लीजिए आपने अपना कंपनी में कंटेनर में अपना माल स्टफ कर दिया, उसको लेके गए पोर्ट तक, पोर्ट से वो जहाज में चढ़ा और आपके पोर्ट से जहाज निकल गए, तो यहाँ तक की सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी अगर आपकी डील, आपका कन्वर्सेशन आपके बायर के साथ FOB में होता है, फ्री ऑन बोर्ड। कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ राइट, अगर इस पे आपका डील होता है आपके बायर के साथ, तो सेम आपने अपना माल अपने कंटेनर में डाल दिया, यहाँ से आप पोर्ट तक गए, पोर्ट में शिप में चढ़ाया और आपके पोर्ट से शिप निकलकर आपके बायर के पोर्ट तक गया, तो यहाँ तक की सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी अगर आपका कन्वर्सेशन, आपकी डील आपके बायर के साथ CIF में होती है। ये ICGATE जिसको कस्टम का एक पोर्टल बोलते हैं, फुल फॉर्म है इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनका भी एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कंटेनर की सारी जानकारी, मतलब 20 फीट का कंटेनर चाहिए, 40 फीट का कंटेनर चाहिए या रेफ्रिजरेटर वाला कंटेनर चाहिए, ये सारी जानकारी आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त होती है। और साथ में इनका मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर का ट्रैप है, तो आप सीधा अपना कंटेनर बाय ट्रेन से भी मेन पोर्ट पर सेंड कर सकते हो। कस्टम हाउस एजेंट, अब जिनको लगता है ऐसा कि जब टाइम नहीं है मैं एक्सपोर्ट करने के लिए, कंपनी है बट टाइम नहीं है, या फिर समझता नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या करे कैसा करे, तो वो CHA हायर कर सकते हैं, कस्टम हाउस एजेंट। ये लाइसेंस होल्डर होते हैं, ये आपका सारा काम कर देगा, आपका एक्सपोर्ट कर देगा, आपकी चीजें इम्पोर्ट कर देंगे, आपका लॉजिस्टिक संभाल देंगे, इवन आपका प्रोडक्ट का वैल्यूएशन तक कर देंगे, ये होते हैं CHA। ये कुछ मेजर पोर्ट्स है अपने इंडिया के, नवाशिवा, चेन्नई, कोलकाता। इनलैंड कंटेनर डेपो, क्या होता है इनलैंड कंटेनर डेपो, अपने इधर मिहान में ICD है, ICD मिहान नागपुर में। मान लीजिए अगर ICD मिहान नागपुर में नहीं होता और आपको कोई चीज एक्सपोर्ट करना है, तो आपको अगर कंटेनर की जरूरत पड़ती थी तो आप नवाशिवा या विशाखापट्टनम पोर्ट, यहाँ पे कंटेनर बुक करते थे, यहाँ से कंटेनर मंगाते थे अपनी कंपनी में, अपने डिस्ट्रिक्ट, तो वहां से खाली कंटेनर आपके कंपनी में आता था, तो आपका टाइम वेस्ट और पैसा। इसीलिए जगह जगह पे ICD बने हुए हैं, इसीलिए नागपुर में अगर ICD है तो आपको मेन पोर्ट से कंटेनर मंगाने की जरूरत नहीं, आप नागपुर ICD मियान से कंटेनर मंगा सकते हो और वहीं से कस्टम क्लियरेंस करा सकते हो।
एक बार अगर कस्टम क्लियरेंस आईसीडी से हो गया तो मेन कोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस कराने की जरूरत नहीं है। ये होते हैं आईसीडी। अब डीजीएफटी कौन से स्कीम से? पहला ईपीसीजी, दूसरा एडवांस ऑथराइजेशन। ईपीसीजी क्या है? देखिए, अगर आपकी कोई राइस मिल है या आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको अगर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया, आपको मास प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए मशीनरी वगैरह लगेगी, तो वो मशीनरी आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो विदेशों से। जब भी आप कोई विदेश से इंपोर्ट करते हो उसमें कस्टम ड्यूटी लगता है, लेकिन अगर आप ईपीसीजी स्कीम के अंडर अप्लाई करते हो तो आप वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें ऑब्लिगेशन है, जितना आपने ड्यूटी सेव किया उसका 6 गुना आपको एक्सपोर्ट कर, मतलब इसका फायदा एक्सपोर्टर का ही होता है। ड्यूटी सेव करके जो ड्यूटी बचा है वो भी उसी का फायदा, और 6 साल में एक्सपोर्ट किया वो भी उसी का फायदा। इसीलिए मैक्सिमम ईटीसीजी स्कीम कवर करते हैं एक्सपोर्टर। लगने वाले डॉक्यूमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट, वैलिड आरसीएमसी या आरसीएमसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रोवाइड करती है। अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, तो आपको अपेडा की आरसीएमसी लगेगी। अगर केमिकल प्रोडक्ट कर रहे हो तो केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको आरसीएमसी लगेगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कैपिटल गुड्स जो आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब दूसरी है एडवांस ऑथराइजेशन। अब देखिए, अगर किसी को रॉ मटेरियल लग रहा है, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी, मुझे रॉ मटेरियल लगता है, तो वो चीजें आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स के अंडर। ईपीसीजी में आप कैपिटल गुड्स और मशीनरी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, एडवांस ऑथराइजेशन में आप जो रॉ मटेरियल लगता है वो आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें भी सेम डॉक्यूमेंटेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, आरसीएमसी, एमएसएमई सर्टिफिकेट। कॉमेट, कॉमेट का फुल फॉर्म है स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। क्या होती है ये? ठीक है, ऐसी कोई चीज जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो डुअल नेचर में काम आती है। डुअल नेचर मतलब एक सिविलियन यूज के लिए और एक मिलिट्री यूज के लिए। अगर आपको ड्रोन एक्सपोर्ट करना है तो ये ड्रोन शादी ब्याह में यूज होता है और साथ में मिलिट्री यूज के भी होता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हो गया कोई, जो कॉस्मेटिक के लिए यूज होते हैं और जो मिलिट्री के लिए यूज होता है बॉम्ब बनाने के लिए, तो ऐसे जो प्रोडक्ट है इसके लिए आपको कॉमेट का लाइसेंस लगता है। ठीक है, कैटेगरीज है स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट जो आपके ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स है, अगर वो स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के लिए अवेलेबल कर सकते हैं, मतलब जैसा कि उनका अगर $3 million पिछले 3 साल का एक्सपोर्ट है तो वो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। इसका बेनिफिट ये है कि आपको कस्टम क्लियरेंस में ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं होगी। आपको बैंक में ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन निगोशिएशन, आपका जो निगोशिएशन रहेगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आपके पास एक्सपोर्ट स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट है तो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ACZ, जैसे अपन नागपुर में ACZ है मियान में, अगर आपका यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, ACZ में है, तो उसके फायदे क्या? पहली बात कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर आप कोई भी चीज विदेश से इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। साथ में अगर आप डोमेस्टिक अगर कर रहे हो तो उस पर GST या एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। ये बेनिफिट है ACZ में। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्सपोर्ट करना है इतने साल में या फिर कुछ, यहाँ पे सिर्फ आपको अपना नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव में मेंटेन करना है। अब नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव में कैसे मेंटेन करते हैं? तो आप इंपोर्ट कम कीजिए और एक्सपोर्ट ज्यादा कीजिए, उससे आपका नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव में मेंटेन रहे। और कुछ भी क्वेरी रही, मतलब हमारा 49 डिस्ट्रिक्ट, हमारे अंदर 49 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मतलब यहाँ से जरूरी नहीं है पूरा एंटायर छत्तीसगढ़ हमारे ऑफिस में है, तो हमसे सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ सकता है। अगर आप भी कुछ भी क्वेरी रही, आपको टाइम नहीं मिल रहा ऑफिस में आने का, तो आप सीधा हमको वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ सकते हैं। वर्किंग डेज में 10:30 से 11:30 हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अवेलेबल रहते हैं, कोई भी समस्या हो। GFT का ऐप है, अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो नया कौन सा पॉलिसी आया, मतलब कौन सा प्रोडक्ट का कुछ पॉलिसी में क्या अपडेट किया है, या कोई नोटिफिकेशन आया है, कौन सी चीज बैन है, कौन सी प्रोडक्ट है, सारी चीजें आपको GFT के ऐप पे पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी और सही लगे तो प्लीज
मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।